हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पे आधारित होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता पर, बी ऑप्शन है समानता पर, सी ऑप्शन है भ्रांतित्व पर, डी ऑप्शन है सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो स्वतंत्रता पर भी आधारित होगा, समानता पर भी आधारित होगा, भ्रांतित्व पर भी आधारित होगा, यानी सभी पे आधारित होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो नंबर भी। ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहां पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने कर दिया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीन नंबर, यहां पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फुल बहादुर। तो यहां पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहां पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न की अविन्यो पाठ के लेखक कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अविन्यो पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो यहां पे आपको बताना है कि अविन्यो पाठ के लेखक कौन है, तो अविन्यो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ, सी ऑप्शन है अज्ञ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, तो अज्ञ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न कि हर वर्ष अविन्यो में कब रंग समारोह होता था। यहां पे आपको बताना है कि हर वर्ष अविन्यो में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है बसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहां पे आपको बताना है कि हर वर्ष अविन्यो में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ए ऑप्शन है सुजाता को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है यशोदा को, डी ऑप्शन है गोपी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
नौ नंबर प्रश्न है कि सागिर्द का क्या अर्थ होता है। यहां पे आपको बताना है कि सागिर्द का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है रही, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है शिष्य, डी ऑप्शन है दोस्त। यहां पे आपको बताना है कि सागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न की जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जो जाति प्रथा है ये पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है फ्रेंच, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि घृणा को जीता जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि घृणा को जीता जा सकता है। ए ऑप्शन है प्रेम से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है सत्य से, डी ऑप्शन है कष्ट से। तो यहां पे आपको बताना है कि घृणा को जीता जा सकता है, तो किससे जीता जा सकता है, तो प्रेम से जीता जा सकता है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न की एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। ए ऑप्शन है वृक्ष और कवि, बी ऑप्शन है वृक्ष और गांव के लोग, सी ऑप्शन है गांव के लोग और कवि, डी ऑप्शन मां और कवि। तो यहां पर आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है, तो वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हिंदी को, बी ऑप्शन है संस्कृत को, सी ऑप्शन है अंग्रेजी को, डी ऑप्शन है फारसी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आजकल के, यहाँ पे देखिए, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी को बोलना पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कपड़े, बी ऑप्शन है जूते, सी ऑप्शन है बिस्तर, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है कि मोटर को कोई खतरा था तो किससे था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार को कोई अगर खतरा था तो वो किससे था। ए ऑप्शन है खोखा से, बी ऑप्शन है मदन से, सी ऑप्शन है सीमा से, डी ऑप्शन है सैफाली से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर को कोई खतरा था तो किससे था, तो खोखा से था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहां पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगा, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगा, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी।
ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है कमू, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो मंगू की बड़ी बहन कमू थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि गिरधर कौन था। यहां पे आपको बताना है कि गिरधर कौन था, ए ऑप्शन है कासू के पिता, बी ऑप्शन है मदन के पिता, सी ऑप्शन है रजनी का पिता, डी ऑप्शन है शेफाली का पिता। तो यहां पे आपको बताना है कि गिरधर कौन था, तो गिरधर मदन के पिताजी थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। ए ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है स्पेन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है यूनान से। तो यहां पर आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो प्लेटो का संबंध यहां पर देखिए यूनान से था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है आदमी, बी ऑप्शन है अति प्राचीन, सी ऑप्शन है नया, डी ऑप्शन है यहाँ पे वन मनुष्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम का अर्थ क्या होता है, तो अति प्राचीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है कि प्रेम अयनी श्री राधिका किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेम अयनी श्री राधिका किसकी रचना है। ए ऑप्शन है रसखान की, बी ऑप्शन है घनानंद की, सी ऑप्शन है सूरदास की, डी ऑप्शन है तुलसीदास की। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रेम अयनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी किस वर्ग की जीवन वर्णित है। यहां पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णन है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उच्च वर्ग का, बी ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग का, सी ऑप्शन है निम्न वर्ग का, डी ऑप्शन है मजदूर वर्ग का। तो यहां पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णन है, तो निम्न मध्यम वर्ग का यहां पे जीवन का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए ऑप्शन है सर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, सी ऑप्शन है चोट लगने के कारण, डी ऑप्शन है पेट दर्द के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है कि अनामिका, यहाँ पे देखिए अनामिका कवित्री का जन्म कहां हुआ था। यहां पे आपको बताना है कि अनामिका कवित्री का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर में, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, सी ऑप्शन है सोनपुर में, डी ऑप्शन है यहां पे धर्मपुर में। तो यहां पे आपको बताना है कि अनामिका कवित्री का जन्म कहां पे हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है गांव, डी ऑप्शन है शहर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, तो वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है चोर को, बी ऑप्शन है डाकू को, सी ऑप्शन है नाखून को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहां पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ए ऑप्शन है घूमने के कारण,
बी ऑप्शन है नौकरी के लिए, सी ऑप्शन है गरीबी के कारण, डी ऑप्शन है माँ के मार के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो माँ के मार के कारण से भागा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न के सिख धर्म के संस्थापक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव है, इसे आपको याद रखना है। जो सिखों के प्रथम गुरु है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रिया, डी ऑप्शन है मदन। तो यहां पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, कि बहादुर कहां का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भूटान। तो यहां पे आपको बताना है कि बहादुर कहां का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैकय देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिलिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार देश के लोग। तो यहां पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि काम सूत्र के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कि काम सूत्र के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है पतंजलि, सी ऑप्शन है वत्सायन, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काम सूत्र के लेखक कौन है, तो काम सूत्र के लेखक वत्सायन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सी है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 35 नंबर कि यहां पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सी है। ए ऑप्शन है हिरोशिमा, बी ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, सी ऑप्शन है भारत माता, डी ऑप्शन है मछली। तो यहां पे आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सी है, तो जनतंत्र का जन्म है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है। ए ऑप्शन है जीवनानंद दास ने, बी ऑप्शन है प्रेमधन ने, सी ऑप्शन है कुंवर नारायण ने, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो यहां पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है, तो जीवनानंद दास ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाद था। ए ऑप्शन है बेटे से, बी ऑप्शन है पति से, सी ऑप्शन है पोते से, डी ऑप्शन है बहू से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को किससे विवाद था, तो मंगमा को अपनी बहू से विवाद था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती है। ए ऑप्शन है गौशाला,
बी ऑप्शन है पाठशाला, सी ऑप्शन है कारागार, डी ऑप्शन है छात्रवास। तो यहां पर आपको बताना है कि मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती है, तो कारागार समझती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मंगू कैसी लड़की है, यहां पे आपको बताना है कि मंगू कैसी लड़की है। ए ऑप्शन है पागल, बी ऑप्शन है गुंगी, सी ऑप्शन है बहरी, डी ऑप्शन है जन्मजात पागल और गुंगी। तो यहां पे आपको बताना है कि मंगू कैसी लड़की है, तो जो मंगू है ये जन्मजात पागल और गुंगी है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि परिमाण वाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है, इसमें से आपको बताना है कि परिमाण वाचक विशेषण निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है सुंदर, बी ऑप्शन है थोड़ा, सी ऑप्शन है चार, डी ऑप्शन है पुराना। तो यहां पे आपको बताना है कि परिमाण वाचक विशेषण निम्न में से कौन है, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा है, ये क्या है, परिमाण वाचक विशेषण है, यानी यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न की कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, यहां पे आपको बताना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है ने, बी ऑप्शन है रे, सी ऑप्शन है से, डी ऑप्शन है को। तो यहां पे आपको बताना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, तो ने है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि जहां दोनों पद प्रधान हो उसे, यहां पे देखिए जहां दोनों पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, यहां पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है कर्म धारण, सी ऑप्शन है तत्पुरुष, डी ऑप्शन है द्वंद। 42 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जहां दोनों पर यहां पे दोनों पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलने लगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत से, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था, यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था, तो ला शत्रुज क्या था, एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या कार्य करती है, यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या कार्य करती है। ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या कार्य करती थी, तो मंगमा दही बेचने का कार्य करती थी, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग लास्ट में जुड़े हैं, लेट से जुड़े हैं, तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है खेत में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है बाजार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का जो कुआं है ये रास्ते में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि तीन बेटे की माँ कौन थी, यहाँ पे आपको बताना है कि तीन बेटे की माँ कौन थी। ए ऑप्शन है मंग माँ, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है पूजा, डी ऑप्शन है पपाती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीन बेटे की माँ कौन थी, तो तीन बेटे की माँ सीता थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है तीन, बी ऑप्शन है पांच, सी ऑप्शन है चार, डी ऑप्शन है छह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी
क्लियर किया थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। यहां पे आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है अंबिका, डी ऑप्शन है ललिता। तो यहां पे आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहां पर आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो कथक के हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप यहां पे 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% पूछा जाएगा। तो अगर आप लेट से जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। इसमें चुनिंदे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से हम आपसे बोलते हैं, अगर इसमें का आपका प्रश्न छूट गया है तो फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए होमवर्क प्रश्न, और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले 8 बजे वाली क्लास में यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग जरूर जुड़िएगा, 8 बजे टाइम नोट कर लीजिए, 8 बजे अभी यहाँ पे 2 घंटा बाद यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और यहाँ पे देखिए HW प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ए ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, बी ऑप्शन है राम नाम के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।